जो आप लोगों का टॉपिक है ये एजुकेशन से रिलेटेड है एजुकेशन स्किल से रिलेटेड है जिसका नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और ई डी सिक्स वन सिक्स है ये अब क्या है इसमें दो यूनिट्स है नंबर फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग मीनिंग टाइप्स एंड फॉर्म्स जैसे बिहेवियरल एजुकेशन है टेक्नोलॉजी एजुकेशन है इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन है टीचिंग एजुकेशन है और इसकी रिलिवेंस टेक्नोलॉजी uh, की रिलेवेंस आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में उसके बाद है एजुके आईटी से आईसीटी इन एजुकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है एजुकेशन में उसमें ई e लर्निंग भी आता है उसमें टाइप्स भी आते हैं कंप्यूटर असिस्टेंस इंस्ट्रक्शन भी आते हैं कि आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में कंप्यूटर की यूटिलिटी क्या क्या है उसमें मैंने फिर अलग से आप लोगों को हार्डवेयर पार्ट अलग किया सॉफ्टवेयर पार्ट अलग किया क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कंप्यूटर क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक कंप्यूटर की और कंप्यूटर में जितने भी मतलब एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनको और उनका ओरिजिन और डेवलपमेंट ये सब मैंने इस यूनिट में कोरिलेट किया और टचिंग फोर्टी ऑब्जेक्टिव्स भी दे दिए ताकि ये आप लोगों का क्योंकि थर्टी ऑब्जेक्टिव्स का ही क्वेश्चन पेपर आएगा तो ये आप लोगों का उतना डिफ़िकल्ट है भी नहीं दो ही यूनिट्स है इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एडवांस में डाल के रखूँ ताकि आप इतने दिन में इसको तैयार कर लो सबसे पहले है आप लोगों का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता क्या है जो टेक्नोलॉजी है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है टेक्नी जिसका मतलब होता है क्राफ्ट और आर्ट और टेक्नोलॉजी से मतलब मतलब होता है कि वो आर्ट या क्राफ्ट जो हम यूज़ करें यूटिलाइज करें एजुकेशन की नीड्स को फिलफुल करने के लिए इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग होती है सिस्टमेटिक वे होता है वर्किंग का और उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी और ये डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस में यूज़ होता है ताकि हम नए नए अपने नीड्स फ़िलफुल करें और डिज़ायर्स अब सिंपलेस्ट मीनिंग क्या है इस टेक्नोलॉजी की इसकी सिंपलेस्ट मीनिंग है ये वो साइंस है आर्ट है या स्किल कहलाएंगे जिससे हम नई नई चीज़ें जान सके और एक डेफिनेशन है एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऐसे हम डिफ़ाइन करेंगे जिसमें एप्लीकेशन की जाए चंद लॉज की किन में डिस्कवरी कोई चीज़ करने में या साइंटिफिक नो हाउ जानने में बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है फॉर एग्जांपल कुलकर्णी ने कहा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज़ ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी रॉबर्ट्स ने क्या कहा उन्होंने कहा एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैज लर्निंग कंडीशन उसके बाद ब्लूमर ने क्या कहा एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में दो इंपॉर्टेंट टूल्स यूज़ होते हैं एक होता है सिंक्रोनस और एक दूसरा होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ही होता है कि अगर एक से या एक से ज़्यादा पास पार्टिसिपेंट इसमें आ जाए उसको हम सिंक्रोनस कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू चैट रूम में जाएँ उसमें दो तीन लोग फेस टू फेस हो सकते हैं डिस्कशन ऑनलाइन हो सकता है और या ऑनलाइन मैं क्लास दे रहा हूँ इसको हम कहेंगे सिंक्रोनस लर्निंग क्योंकि जब मैं ऑनलाइन दे दूँगा तो आप उसको देख सकते हो आप फीडबैक भी कर सकते हो आप रिप्लाइज भी करते हो मुझे कि सर ये क्वेश्चन चाहिए ये क्वेश्चन चाहिए या इस पे मुझे लेक्चर चाहिए तो वी कॉल इट एज सिंक्रोनस लर्निंग इसको सिंक्रोनस लर्निंग कहेंगे चाहे ये स्काइप पे हो चाहे ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चाहे चैट रूम पर हो ये, या वेबिनार हो या मैसेजिंग इंस्टेंट पे मैसेजिंग करें ये सबों को हम कहते हैं सिंक्रोनस लर्निंग एसिंक्रोनस लर्निंग का मतलब ही होता है जो ई के थ्रू हम किसी को टेक्स्ट करते हैं उसमें तीन चीज़ें आते हैं टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑडियो या वीडियो लेकिन जो हम सोशल नेटवर्किंग के थ्रू उनको भेज देते हैं उसको कहते हैं एसिनक्रोनिक एसिनक्रोनिक जो कोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं और उसमें स्टूडेंट के सिर्फ एक मेन डिफरेंस है होती है जो सिंक्रोनिक होती है ये मोस्टली डिपेंड करते हैं जो टीचर आपको इंस्ट्रक्टर हो उस पर डिपेंड करते हैं और एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से खोल सके जब चाहे तब वो रीड कर सकते तब वो पढ़ सके जब उसकी मर्जी हो इसमें टर्म्स लीनियर लर्निंग सी से मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि सेल्फली कोई लर्न करे कंप्यूटर सामने रखे उसमें कोई भी चीज़ डाले या मोबाइल से निकाले या स्मार्टफोन से निकाले या टैबलेट से निकाले कोई भी चीज़ उसमें डाले और वो देखने लगे पढ़ने लगे ऑन ऑनलाइन मैनुअल्स देखने लगे ऑनलाइन बुक्स देखने लगे मैगज़ीन्स देखने लगे न्यूज़पेपर्स देखने लगे वी कॉल इट एज़ ए लीनियर लर्निंग कोलाबरेटिव लर्निंग किसको कहते हैं जिसमें एक कंप्यूटर uh, पे एक uh, uh, मतलब ऑडियो uh, दे रहा होगा या वीडियो दे रहा है तो बहुत सारे उससे कनेक्ट हो उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग में सी एस सी एल एक टर्म आती है जिसको कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन uh, कैसे दी जाती है इसमें स्टूडेंट वर्क करता है एक साथ डेस्क पे अलग अलग डेस्क पे और ई e लर्निंग को uh, इसको कहते हैं या नेटवर्कड कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं एन सी एल अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तीन फॉर्म होते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी टीचिंग टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं जिसमें इंटरेक्शन हो बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट और पहले ज़माने में ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा होती थी तो वो टीचर सेंटर्ड होता था लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये स्टूडेंट सेंटर्ड थे और चीफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी के रॉबर्ट है रॉबर्ट ग्लेजर है बोर्नर है हंट है हर्बर्ट है एन एल के देखते है ये इंपॉर्टेंट जो एक्सपोनेंट्स थे किसके टीचिंग टेक्नोलॉजी के उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग टेक्नोलॉजी के क्या है ये वो ऑल डेवलपमेंट करता है ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है एक चाइल्ड को और उसके बाद आर्ट सिखाता है साइंस सिखाता है और ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक नॉलेज देता है जो टीचिंग टेक्नोलॉजी uh, है ये रॉबर्ट ग्लेजर और डेवीज ने डिवाइड की फोर कंपोनेंट्स इसके दिए फोर एलिमेंट्स दिए नंबर वन प्लानिंग ऑफ टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लीडिंग ऑफ टीचिंग कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग अब इसके करेक्टरिस्टिक्स टीचिंग टेक्नोलॉजी के करेक्टरिस्टिक्स मेन क्या है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कॉगिनेटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर उसके बाद है जो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी है ये किस पे बेस्ड है इट इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफिकल सोशलॉजिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एजुकेशन उसके बाद इसमें और चीज़ें क्या चाहिए मेमोरी चाहिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग चाहिए नेक्स्ट है आप लोगों का इंस्ट्रक्शनल टीचिंग वो टेक्नोलॉजी uh, वो उस मेथड को कहते हैं जिसमें आप लोगों को डायरेक्टली इन्वॉलमेंट एक टीचर से नहीं हो लेकिन अदर देन टीचर जो आपको कोई कम्युनिकेट करे इंस्ट्रक्ट करे वो चीज़ हो वो थ्रो ऑडियो आड़, विजुअल्स हो सकते हैं या गाइड्स हो सकते हैं या आपको मटेरियल हो सकता है फॉर एग्जांपल, अगर आप इग्नो में कोई कोर्स करते हो वहाँ आपको सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है जो संडेज को सिर्फ आपको थोड़ा गाइडेंस दे रेगुलर टीचर की ज़रूरत नहीं होती है उसमें ओपन यूनिवर्सिटी है वो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है वो ये ये दोनों चीज़ें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आते हैं और इसमें क्या होता है इसको हम हार्डवेयर अप्रोच के थ्रू भी जानते हैं या इसका बेस जो होता है वो हार्डवेयर अप्रोच के बेस पे ही होता है क्योंकि आपको ऑडियो विजुअल जो होते हैं कंप्यूटर के थ्रू मिलते हैं उसके बाद अगर ये बेस होता है साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे और जो ये आ, मतलब आपके इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इसके चीफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से थे ಬಿ ಎಫ ಸಿಕನರ್ ಬ್ರೂಮರ್ ಗ್ಲೇಸರ್ गेलबर्ट एंड मेगर ये इसके चीफ एक्सपोनेंट्स थे और इसको क्या कहते हैं इसको मेन जो फोकस है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को हम लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट उसी के थ्रू होता है और बाय द यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी एक स्टूडेंट को हर एक चीज़ हासिल हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट है बिहेवियल टेक्नोलॉजी बिहेवियल टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं विच इज़ रिलेटेड विद योर मैंटल परसेप्शन टल आइडियालॉजीज़ मेंटल थॉट्स आर साइकोलॉजिकल थॉट्स और वो बिहेवियर uh, से रिलेटेड होता है इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी और इसके चीफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं फ्लंडर्स है बी एफ स्किनर है एंडरसन है और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ये फ, बेस करता है साइकोलॉजी पे ये बेस करता है सॉफ्टवेयर अप्रोच जो आ, आप लोगों का इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी वो हार्डवेयर बेस थी उसका हार्डवेयर अप्रोच था और ये जो है ये आपका मतलब बिहेवियरल टेक्नोलॉजी ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है और इसका फोकस जो है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स पे है अब है आप लोगों का रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी रिलेवेंस है फर्स्ट है ये स्टूडेंट को सिखाता है इसके ही अकॉर्डिंग चलना जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं मिलता है तो शाम को आप खोल सकते हैं नेट देख सकते हैं उस पर पढ़ सकते हैं मीन्स ये आप पे डिपेंड करता है और एक स्टूडेंट को कितना मटीरियल ज़रूरत होता है ये खुद उतना ही पढ़ सकता है अगर क्लास में होता है क्लास में टीचर एक्स्ट्रा भी बोल सकता है लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की कितनी डिमांड होगी उतना ही वो ले सकता है या उतना ही वो गेट कर सकता है और ये प्लानिंग के फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी आ, मतलब आ, आ, मतलब कायदागर होता है या काजगर होता है स्टूडेंट को प्लानिंग करने के लिए उसके बाद कोलाब्रेशन में भी ये डिस्कशन कर सकता है फिर दो तीन ग्रुप्स बना सकता है अपने आ, मतलब स्टूडेंट्स के साथ इवन क्लास में ये डिस्कशन नहीं हो सकता है क्लास में टीचर क्लास देता है लेकिन जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या कर सकता है ये व्हाट्सअप ग्रुप बना सकता है फेसबुक फिर डिस्कस कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम को और अपडेटेड रहता है इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टीच चर होता है उस वो अगर कोई लेक्चर तैयार करता है वो दो साल पुराना होगा एक साल पुराना या प्रेजेंट में भी वो बहुत घंटे पुराना हो सकता है लेकिन यहाँ पर अगर न्यूज़ आती है कल शाम को फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस पीक पे आ गया तो इसकी न्यूज़ उसको मिलेगी मींस ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है यही मेन रिलिवेंस है इसकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से और क्या करता है ये ईजी एसेस भी है और लर्नर खुद डे बाई डे ग्रो करता है डे बाई डे उसकी एक्सपीरियंस बढ़ती है इंट्रेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाती है क्रिएटिविटी आ जाती है और पर्सनलाइजेशन का कंटेंट होता है वो अपडेट होता है अब जो नेक्स्ट स्लाइड है मैंने आपके लिए लगाई है क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर के बारे में चंद टर्मिनोलॉजी मैंने रखी है फॉर एग्जांपल अगर आप हाँ पहले देखेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं जो भी टच टच कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कीबोर्ड को सी को फ्लॉपी को या माइक्रोफोन को मॉनिटर को सीडी ड्राइव को माउस को माउस पैड को स्पीकर्स को कंपैक्ट डिस्क को या हेडफोन को ये सब आते हैं हार्डवेयर में अब सॉफ़्टवेयर में क्या है सॉफ्टवेयर में कोई भी एप्लीकेशन होगी फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ़्ट होगा या इवन आपकी ईमेल होगी या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आर्कव्यू एक सॉफ़्टवेयर है तो इन चीज़ों को कहेंगे या जे में कोई भी सॉफ्टवेयर लगता है या फॉर एग्ज़ाम्पल आर्किटेक्चर में कोई भी सॉफ्टवेयर होती है उस सबों को हम कहेंगे कि वो सॉफ्टवेयर में है अब और दो चीज़ें आते हैं कंप्यूटर में जैसे रैम एंड रोम है रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी अब और एक चीज़ होता है इम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इनपुट का मतलब होता है जो हम कंप्यूटर को यहाँ से देते हैं इनपुट में क्या आता है कीबोर्ड पे हम टाइप करते हैं या अगर आप अपने मोबाइल को देखेंगे कोई कीबोर्ड पे हमने टाइप किया माउस अटैच किया या स्कैनर इनको कहेंगे इनपुट इनपुट का मतलब यहाँ से देना आउटपुट का मतलब अगर आपने कोई चीज़ टाउट टाइप की वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी उसको मोनिटर कहते हैं तो आउटपुट डिवाइस मोनीटर है उसके बाद अगर उस चीज़ को जो वहाँ टाइप किया उसको प्रिंट दोगे तो वो आउट उपुट डिवाइस होगा या हेडफोन लगाते हो या वहाँ से आपको कोई आवाज़ आती है तो वो उसको वो आउटपुट है या प्रोजेक्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है जो और जो ये रैम है ये टेम्पोरी और वायलेटेड है और रोम जो है आर ओ एम वो नॉन वायलेटेड और परमानेंट है यूनिट सेकेंड है आई सी टी आई सी टी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब इससे क्या मतलब होता है जो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे एजुकेशन में उसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेकिन इसकी यूज़ जो है ये आपको एप्लीकेशन इसकी एजुकेशन में बतानी है इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन है सबसे पहले हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को फिर डाटा को प्रोसेसिंग में डाल देते हैं फिर उसमें ऑडियो विजुअल्स निकालते हैं और उसके बाद बे, बेटर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं इजी एक्सेस हो सकता है इंटरनेट के थ्रू और क्विक कम्युनिकेशन हो सकता है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर फॉर एग्जांपल आप लोगों का ही एग्ज़ामिनेशन बाईस से स्टार्ट हो गया और आप लोगों को चाहिए था मटेरियल मैंने ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाया जबकि ये टोटल इम्पॉसिबल था इतना सिलेबस ऑफलाइन में कवर करना मैंने विद इन नो टाइम आप लोगों को वीडियो डाले ऑडियो और विजुल्स वीडियोज़ डाले ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ मटीरियल

ताकि हमारी क्वालिटी जो पढ़ने की हो वो ज़्यादा बढ़ जाए उसमें हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं ग्राफिक्स यूज़ करते हैं साउंड करते हैं और विजुअल्स करते हैं ये सबसे ये कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शन सबसे पहले नाइनटीन ट्वेंटी फिफ्थ में फाइव ट्वेंटी फिफ्थ में प्रेसी ने दिया मल्टीपल चॉइस मशीन पे और इसमें और एक चीज़ आता है एस ए के आई सेल्फ एडाप्टिव कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन जो नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स में रॉबिन ने मतलब ईजाद की डेवलप की नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन पहले बताऊंगा मैं बहुत सारे लोगों ने इस पे डेफिनेशंस दिए बट और शर्मा ने 1992 में कहा सी ए आई इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर डिस्प्लेड एंड रेस्पॉन्ड और उसको कहा उन्होंने दूसरा हेलगर्ड एंड बॉर्न ने क्या कहा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हैज़ नाउ टेकन सो मैनी डायमेंशनज दैट इट कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज ए सिंपल डेराइवेशन ऑफ द टीचिंग मशीन और ए काइंड ऑफ प्रोग्राम लर्निंग अब जो है सी ए आई क्या रिक्वायर्ड करता है इसकी तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है नंबर फर्स्ट क्या होता है हार्डवेयर नंबर सेकंड क्या होता है सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है कोर्सवेयर अब ये कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है हार्डवेयर सबसे पहले है हार्डवेयर मैंने पहले ही कहा वो पार्ट्स जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं कंप्यूटर के जैसे मॉनिटर है डेस्कटॉप है या सीपीयू है कीबोर्ड है तो इन सबों को हम कहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लैंग्वेज हो किसी चीज़ की या जो प्रोग्राम्स हो उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और इन दोनों की कंबिनेशन को जो होती है कंप्यूटर इस एडिड इंस्ट्रक्शन में ये दो चीज़ें बहुत ही अहम होते हैं जो ये सॉफ्टवेयर के हैं इसके दो टाइप्स होते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाता है या पूरा पूरा काम लिया जाता है यूज़र के थ्रू उसके बाद कोर्सवेयर जो थर्ड इसमें आता है थर्ड पोर्शन कोर्स वेयर का मतलब होता है कि कौन सा मटीरियल आपको पढ़ना है वो टीचिंग किड हो स किट हो सकती है या टीचिंग मटेरियल हो सकता है या पैकेज हो सकता है पूरा किसके किसके थ्रू वो मटेरियल हो सकता है आपके टेक्स्ट के थ्रू वो मटेरियल हो सकता है आपके वेब पेज पे जो ट्यूटर्स ने डाला होगा वो मटेरियल हो सकता है वीडियोस के थ्रू वो मटेरियल हो सकता है ऑडियोज़ के थ्रू वो मटीरियल हो सकता है लाइव क्लासेज़ के थ्रू और ये सब आता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में जिसको हम कोर्स फेयर कहते हैं मोड्स ऑफ सी ए आई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं इसमें एट मोड्स आते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशनल इंस्ट्रक्शन ड्रिल एंड प्रैक्टिस इंस्ट्र प्रैक्टिस ट्यूटोरियल टाइप कंप्यूटर असिस्टेंस एजुकेशनल गेम टाइप सिम्यूलेशन टाइप प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप प्रैक्टिकल वर्क एंड लर्निंग अफेयर्स अब आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन क्या होता है इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन उससे मतलब होता है जो एक इंक्वायरी ऑफ़िसर को रेस्पॉन्ड दे के कितने स्टूडेंट्स है इस स्टूडेंट की नीड क्या है वो इन्फॉर्मेशन पूरा अवेलेबल होता है फ़ॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग जब पहले आते हो एडमिशन करने के लिए तो आपको इफॉर्मेशन इंस्ट्रक्टर वहाँ दे देता है कि आपको कम्बिनेशन कौन कौन से सब्जेक्ट की है आपको कौन से फैकल्टी या कौन सा डिपार्टमेंट किस फैकल्टी के अंदर आता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आर्ट्स फैकल आर्ट्स का ये देखेंगे फैकल्टी उसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है इंग्लिश आता है उर्दू आता है तो ऐसे ही सोशल साइंस की फैकल्टी उसमें में आती है दूसरा ड्रिल एंड प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कल मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दे दूंगा मैं कहूंगा इनकी प्रैक्टिस करो इसका आंसर दो और फिर देखो कि आपको करेक्ट कितना होता है उसको कहेंगे ड्रिल एंड प्रैक्टिस ड्रिल एंड प्रैक्टिस के लिए हम एक प्रोग्राम तैयार करते हैं ताकि आपके कितने ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाए या नेट में बैठते हो एग्जाम उससे पहले आप प्रैक्टिस करते हो आपका कितना वो है उसको हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस कहते हैं उसके बाद ट्यूटोरियल टाइप कंप्यूटर असिस्टेंस उस को कहते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक्स वहाँ ऑलरेडी हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे हो सोलर इक्लिप्स पे हो ये स्टूडेंट्स को समझाने के लिए किस हिसाब से और किस रिक्वायरमेंट में उनको जरूरत हो फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट वीक है तो उसको डेफ्थ में पढ़ने की ज़रूरत है उसको अगर हम समझाएंगे कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है उसको फिर बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा कि एप्पल कैसे गिरा और न्यूटन ने उसको कैसे रीड किया कि ये अट्रैक्शन है ये ऊपर क्यों नहीं उठा उसको मतलब है उसको उस बेसिक पे जाना है या अगर कंप्यूटर आपका जो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईसीटी का अगर आप लोगों को इस पे आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आप आप में से कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जानते ही होंगे बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट्स आप में होंगे जो इवन सॉफ्टवेयर जानते ही नहीं टर्म क्या है इनपुट आउटपुट बहुत सारे जानते होंगे लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं है ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहते हैं बहुत सारों की ईमेल खुली होगी लेकिन उनको यह भी नहीं पता ई किस किस पर बनती है तो ये चीज़ें हैं इसलिए उसको उसके हिसाब से उसकी एबिलिटी और उसके पेस के हिसाब से हम लेक्चर्स मिलते हैं और वो उनको एसेस करता है एजुकेशनल गेम टाइप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी कभी बोर हो जाते हो आपके कंप्यूटर में फिर गेम्स भी होते हैं और गेम्स के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो उसको कहते हैं एजुकेशनल गेम टाइप सिमुलेशन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको कहेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को फॉर एग्जांपल आप सीखते हो एनिमी की गेम वहाँ पर आपको पता होता है कि ये कितनी डिस्टेंस पे हो और कितनी डिस्टेंस पे इसको हम हंट कर सकते हैं या अगर आप किसी जंगल में खो जाते हो गेम में है फिर आपको वहाँ से निकलना होता है तो आपको अपना स्ट्यूमलेशन मतलब माइंड लगाना पड़ता है उसमें उसमें आपकी माइंड परसपन्स और माइंड कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है कि मुझे कहाँ से निकलना है या अगर आप पत्ते खेलते हो लैपटॉप पर कंप्यूटर पर तो आपको पता होता है कि कौन सा पत्ता मुझे किस टाइम यूज़ करना है और कौन सा कलर मुझे किस टाइम फिल करता है या अगर आप कार रेसिंग की गेम खेल रहे हो आपको स्ट्यूमुलेट करता है कि मुझे कहां पर कर्व लेना था मुझे कहां पर स्पीड कम करनी थी मुझे कहां पर स्पीड बढ़ानी है उसके बाद और एक आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क आती है प्रैक्टिकल वर्क करते हो आप प्रैक्टिकली देखते हो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो जब हम उसको खुद इंटीरियर देख सकते हैं थ्री व्यू में तब हम प्रैक्टिकली वो इमेजिन कर सकते हैं वैसे आप अर्थ के अंदर मेंटल और कोर तक नहीं पहुँच सकते हो लेकिन जब हम थ्री व्यू में इमेज दिखाएंगे इस पे, तो आप वो प्रैक्टिकली देख सकते हो लास्ट वन है लर्निंग अफेयर्स मैनेज टाइप कि आप कैसे मैनेज करोगे प्रॉपरली सीखने के लिए नेक्स्ट है ई एम यू लर्निंग ई लर्निंग का मतलब होता है एलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ये वेब बेस्ड ट्रेनिंग है और ये सेल्फ पेसर इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन है दूसरा होता है एम लर्निंग जिसको हम मोबाइल लर्निंग कहते हैं इसमें ट्रेनर और प्रोग्राम वायरलेस हैंडल हैंडल हेल्ड डिवाइस के बग़ैर मतलब काम करता है फॉर सेल फोन जो कनेक्टेड नहीं होता है एम लर्निंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ई e लर्निंग में हम लैपटॉप हैवी बोझ उठाते हैं या कंप्यूटर सिस्टम उठाते हैं तो एम लर्निंग में ये हैवी चीज़ें हमें नहीं उठानी पड़ती है हम किसी भी जगह खोल सकते हैं इसमें कोई भी एप्लीकेशन एजुकेशन की हम पढ़ सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को मैक्सिमम कहता हूँ कि आप सिर्फ़ मेरे लेक्चर को अगर आप कोई काम भी कर रहे हो लेकिन हेडसेट uh, फ़ोन्स uh, या जिनको ब्लूटूथ कहते हैं वो कान में लगा लीजिए आप इवन दूसरे काम भी कर रहे होंगे घर में तो आप ये सुन सकते हो तो उसको हम एल एम लर्निंग कहेंगे जो ईजी होती है और फ्लेक्जिबल होती है कहीं भी आप पढ़ सकते हो यू लर्निंग का मतलब होता है यूबिक्यूटस लर्निंग एनवायराममेंट इसमें क्या होता है इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का क्योंकि ये हर वक्त उसी में लर्निंग कॉन्शियसनेस में होता है तो इससे वो सबसे ईजी हो जाता है अब नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लिकेशन ऑफ इंटरनेट सबसे पहले है ये कॉस्ट इफेक्टिव है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्टिव है इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग टूल है इजी एक्सेस है क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है इसमें इंट्रेक्शन डिजिटल मीडिया के साथ होता है और अपडेट रहता है लेटेस्ट इन्फॉमेशन का उसके अलावा लास्ट टॉपिक है आपका ई लर्निंग ई लर्निंग का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग इसका मतलब होता है कि ऑनलाइन आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे कंप्यूटर या मोबाइल पे या सेल फोन पे या टेबलेट पे इंटरनेट के कनेक्ट करके कैसे आप सीख सकते हो चीज़ों को कैसे आप पढ़ सकते हो जैसे आप मेरे अभी लेक्चर्स देख रहे हो या मेरे जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो चाहे किसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हो या इंग्लिश का हो या जग्राफिया का हो कोई भी टॉपिक इंटरनेट पर आ जाता है आपको सीधे वो लेक्चर वही कॉल एज ए लर्निंग और ये सबसे पहले एलियट ने क्वाइंट की ये ई e लर्निंग की टर्म 1999 में तीन मेथड्स होते हैं इन लर्निंग के सबसे पहले एल एम एस का फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उसके बाद एस सी ओ आर एम का मतलब होता है शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्टिव रेफरेंस मॉडल और तीसरा होता है एक्स ए पी आई और ये तीन मेथड्स होते हैं जो आप लोग लर्न कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ऑनलाइन विजुअल्स दे सकते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप डिलीवर लेक्चर कर सकते हैं अब है ऑब्जेक्टिव नंबर वन मैंने पहले ही कहा तीस से चालीस ऑब्जेक्टिव मैं दे दूंगा इस पूरे कोर्स का अब है क्वेश्चन नंबर वन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग इज़ नोन एज आई सी टी उसको आई सी टी बोलते हैं डैश डैश वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाइड लिटरेसी प्रोजेक्ट वो या में हुआ है अक्षय जिसको कहते हैं ई लिटरेसी डैश डैश इज़ ए स्प्रेड शीट प्रोग्राम एम एस एक्सएल स्टोरेज डिवाइस इज़ यू पी एस स्टोरेज डिवाइस है वट डज सेक्शन सिक्स सिक्स एफ ऑफ आई टी इम्प्लाइज़ वो साइबर टेररिज्म से रिलेटेड है वेबसाइट इज ए कोलेक्शन ऑफ एच टी एम एल ऑडियो विजुअल हेल्प करता है स्टूडेंट उसको स्लो लर्निंग के लिए uh, उसके बाद एट्थ क्वेश्चन हु इनाग्रेटेड विक्टर्स ये ए पी जे अब्दुल कलाम ने किया है क्वेश्चन नंबर नाइन इन विच ग्रीक वर्ड टेक्नोलॉजी केम फ्राम टी टेक्नी से है उसके बाद सी पार्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर टेन आई सी टी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ई टी इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैनज लर्निंग तो रॉबोट ने कॉक्स ने ये दिया है उसके बाद चैट वेबनार ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे तो होती है सिंक्रोनस लर्निंग से होती है नंबर थर्टीन क्वेश्चन कोलेबरेटिव लर्निंग किसको कहते हैं ये बोथ वर्क टुवर्ड्स लर्निंग होता है और बोथ एंड बी आई के डेवीज़ इज़ चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी के थे वो विच अमंग फॉलोइंग डेवलप द कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया ये कॉर्गनेटिव एफेक्टिव साइकोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड विद टीचिंग कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंटस उसको इंस्ट्रक्शनल कहते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 विच टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन हार्डवेयर अप्रोच इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर 19 बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज़ इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी एंडरसन फ्लैंडर स्कैनर वो किसके एक्सपोनेंट थे बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के थे कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शन वाज इन्वेंटेड बाई प्रसी ने दिया ये उसके बाद ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और ऑनलाइन बोथ ए एंड बी आएगा सी पार्ट उसके बाद ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व इसमें ऑल द अबव आएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोर्सवेयर कोर्सवेयर इंक्लूड्स एजुकेशनल किट्स में आता है ए पार्ट सी ए आई का मतलब ही होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जिसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल द अबाव आएगा आंसर ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन को ट्वेंटी सिक्स को मोबाइल लर्निंग रेफर्स टू उसको एम लर्निंग कहते हैं एजुकेशनल आर राउंड द स्टूडेंट इज़ नोन एज यू लर्निंग उसको कहते हैं ई लर्निंग टर्म क्वाइंट बाय मैसी ने ये क्वाइंट की है ये टर्म उसके बाद विच द फॉलोइंग इज ई लर्निंग कौन सी ई e लर्निंग है ये तीनों एल एम एस सुकॉम एक्स ए पी आई आल द अबो आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सी पी यू फ्लॉपी डिस्क हेडफ़ोन इज़ इन सबों को कहते हैं हार्डवेयर